तो चैलेंज स्टार्ट होता है, 1 2 3 गो। मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो इस टाइम मतलब टाइम हो गया है हमारे कॉलेज का, और आज भी हमने मतलब हम परसों गए थे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने, तो उस दिन सर्वर डाउन हो गया था। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वहाँ। तो पहले हम वहाँ वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम कॉलेज में मतलब क्लास होगी तो क्लास में जाएंगे हम, और ये आएंगे घर। वैसे हमारा कोई काम एक दिन में नहीं होता, हर रोज़ 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है, तब जाके ही होता है। तो सारे रेडी हो ही गए हैं। गाइस मैं जा रही हूँ उनके साथ विदाउट ड्रेस और हम तीनों तो ड्रेस में हैं। तो पहले हम चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या होता है। आज नहीं हुआ, आज भी वही है, अब कल परसों ही होंगे। तो खैर हमें तो कॉल मतलब क्लास जानी थी। ये दोनों दादाजी की बातों में मग्न हो गए हैं, अब हम दोनों जाएंगे क्लास। तो गाइस इस यू के 13 की हाफ प्लेट चाउमीन देखो इधर। तो आज हमने चैलेंज रखा है चाउमीन वाला, क्योंकि हमने कहा था कि हम बहुत ही जल्दी चाउमीन का वो करेंगे, मतलब कौन इसमें जीतेगा हारेगा। तो जो हारेगा उसको नाचना गाना जो भी है वो करना पड़ेगा, और जो जीतेगा तो उसको तो कुछ नहीं करना वैसे। तो हम बेटा बहुत चालू है ये, मेरे टर्न पे इन्होंने फ्रूटी मांगी थी, और अब देखो हाँ। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब पहले हम इस चैलेंज को करेंगे तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है। तो चैलेंज में हम चार हुई हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पिछले चैलेंज में कहा था कि हम बहुत जल्दी आएंगे हम चाउमीन चैलेंज के साथ, तो आज हम आ चुके हैं चाउमीन चैलेंज के साथ। तो आज भी हम आए हैं छत में। तो आज थोड़ा सा मौसम मतलब वैसा है, एकदम धूल आंधी तो बहुत ही बेकार हो रहा है, पर हमने यहाँ पे इसलिए आए हैं हम क्योंकि यहाँ से मतलब बहुत ही क्लीन वीडियो आती है। तो अब हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोनों काफ़ी उत्सुक हैं। तो चैलेंज स्टार्ट होता है, 1 2 3 गो। विनर हमारी है और सेकंड मैं हूँ, और ढल ये है। गाइस तो देख सकते हैं आप, सेकंड आ चुकी हूँ मैं, और इसकी प्लेट देखो क्योंकि ये है लूजर, बहुत बड़ी लूजर। अच्छा हुआ आज रोटी आइसक्रीम वाला नहीं था, वरना मेरे तो एल लग जाते। मैंने काफ़ी कोशिश कर रही थी पर मुझे नहीं पता था अंजू इतने स्पीड में खाएगी, मैंने सोचा चैलेंज बस हम दोनों के बीच है। अच्छा हुआ हमने इसको रख लिया, वैसे तो सिमी ने मना करा था, तो हमने सोचा था हम ही दोनों करेंगे, पर हमको नहीं पता था अंजू इतनी तेज़ है। तो ये विनर है थी, पर रिया बता क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारी दीदी उन्होंने गाइस देखो। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, गोलगप्पा चैलेंज में आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि इसने पहले स्टार्ट कर दिया था इसने, तो उसमें भी मैं विनर होती अगर ये वैसे चीटिंग नहीं करती। तो इस चैलेंज की विनर हुई मैं। तो आज मैं चीटिंग करने की सोच रही थी, मैंने नीचे से खाना स्टार्ट करा था पर नहीं हुआ, यहाँ पे आगे इतना लिया था पर फिर भी नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं रिया। देखो गाइस चीटर ने खुद को एक्सपोज कर दिया आज। तो क्या हुआ, तो तू जीत भी गई। गाइस आज नाच गाने वाला था, अब करेगी तू डांस, ले पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तो इन दोनों को मैं बता दूं, कोई फायदा नहीं हुआ, इसने चबाया नहीं और एक ने जल्दबाजी में पता नहीं कैसे, और कम से कम मैं स्वाद के सहित वैसे लुत्फ उठा सकती हूँ। एक बात बताऊँ, आज के चैलेंज में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब वो चैलेंज वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी आज। हाँ यार ये तो है सच में, अगर गोलगप्पे वाला होता आज भी तो फिर ठीक था, क्योंकि चाउमीन में क्योंकि चाउमीन कम थी ना, इसीलिए कम क्या, फिर भी चाउमीन में मज़ा नहीं आता, मतलब ये तो है गोलगप्पे ये तो। और इस चम्मच में तो वो फंसी नहीं रही थी क्योंकि हमारे पास फोक नहीं है ना, तो इसीलिए अगर फोक होती तो बात तो मेरी चाउमीन अभी भी बची है, और मैं इसका एक एक केतली का लुत्फ उठा के खाऊंगी। कितला केतली नहीं वो डांस तक तो सब ठीक था, और इन्होंने अब अपना प्लान चेंज करा है, तो कह रहे हैं कि हम ही सॉन्ग डिसाइड करेंगे, और ऐसे ऐसे सॉन्ग डिसाइड कर रहे ना पता नहीं किस जमाने के हैं वो। इसके लिए सॉन्ग डिसाइड किया है मोहन तेरी मुरली बाज, ऐसे में
कौन करता। चलो ठीक है वो नहीं, चलो गुलाबी सूट 13 रुपए तो करना ही पड़ेगा इसे। तो अभी तो आज इन्होंने मुझे अपने मनोरंजन का जरिया बनाया है। किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। हमारी मुस्कानों ने ऐसा हाल कर डाला, ये दिल चीर गया हम लो तो जान देंगे। तो इस टाइम मेरा सहयोग करेगी ये, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रहा। और हम भी इस टाइम कर रहे हैं श्रीवल्ली में। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे जो हर्फी। मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं। मैं प्रैक्टिस कर तो मुझसे नहीं हो रहा है। मैं उस टाइम से फ़ोटो क्लिक करना चाहती हूँ ऐसे में, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। इतनी कोशिश करने के बाद टाइमर भी लगा दिया, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं जमीन ही में, अभी हाथ ऐसे ही। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं। ये सब तो हो ही गया है, और अब मतलब कल मेरा भी और मेरे फ्रेंड लोगों का भी वो है प्रैक्टिकल, तो उन्हें भी अपना चार्ट और फाइल ये तैयार करनी है। तो अब मेरी तो फाइल हो ही चुकी है, पर थोड़ा सा पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि कल वो है। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में।